मेरे प्रिय आर्य भाई बहन सबको नमस्ते। ये जो वीडियो है आप पूरा देख लीजिए। मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी टॉपिक आर्य लोग के लिए। ये मेरे जो भाषा है थोड़ा सा गड़बड़ है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी सीखने के लिए, आप मुझे क्षमा करें। तो मैं बहुत दिन से बहुत सारे आर्य भाई का चैनल्स फॉलो कर रहा हूँ। एक अच्छी बात है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। उन लोग को मिलियंस में है, थाउजेंड्स में है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स में है, बहुत ही अच्छी बात है। और इससे क्या होता है, सबके पास वेदों में जो सत्य है वो पहुंचने के लिए ये हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत बड़ा वरदान है ईश्वर के कि हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। मेरे चैनल का कोई फॉलोअर नहीं है, बहुत कम है, फिर भी मैं ये वीडियो क्यों डाल रहा हूँ मुझे नहीं पता है कि किसी कोई तो आर्य के पास पहुँचेगा, वो आगे दे सकता है मुझे नहीं पता है। फिर भी ये मैसेज मेरे को लग रहा था बहुत दिन से, मेरे अंदर ये बात चल रहा था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना लें। आज के जो आर्य भाई, उनका जो चैनल में मैं एक कमियाँ ज़रूर देखता हूँ, वो क्या है, वो आर्य लोग जो है दूसरे मज़हब, दूसरे इंसान, उनमें क्या कमियां हैं, उनमें क्या खोट है, उनमें क्या अनसाइंटिफिक बातें हैं, इसी के पीछे ज़्यादा पड़े हैं। इसके पीछे ज़्यादा पड़ने से क्या होता है, या पहले चीज़ तो वो मुसलमान या क्रिश्चियन या जैन या बुद्ध, वो तो विरुद्ध हो गया ही होगा, हमारे हिंदू भाई भी जिसको वेद के बारे में नहीं पता है वो भी डिफेंसिव एटीट्यूड हो जाएगा, उसको भी, उसके मन में भी क्रोध भरेगा दूसरे मजहब के ऊपर। उसके मन में ये नहीं मिलेगा कि वेद में क्या सत्य है। तो मुझे लग रहा है कि हम आर्य लोग जो हैं, महर्षि दयानंद जी महाराज जो बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे, बहुत बलवान थे, बहुत मंत्र दृष्टा ऋषि थे, वो उनके पद में हमको चलना होगा। उनके स्टाइल को अपनाने से हमारा क्या फ़र्क है, क्योंकि वे ऋषि थे, वे जो भी बोलते थे सत्य बोलते थे, उनके अंदर सत्य धारणा था, सत्य तो उनके अंदर से निकलता था, तो उनके बात लोग सुन सकते थे, हमारे बात नहीं सुनेंगे क्योंकि खुद हम ऋषि नहीं हैं, हम मंत्र दृष्टा नहीं हैं, हम आम आदमी हैं, आम इंसान हैं, फिर भी आर्य हैं। आर्य का मैंने दूसरा एक वीडियो बनाया, आर्य का शब्द क्या है, वेदों से निकला या आर्य का शब्द, जो आदमी दो बार हवन करता है, जिसके इंद्रिय संयम है, जो सत्य वक्ता है, यथार्थ से जो बोलता है सत्य वचन, किसी का दिल को नहीं दुखाता है, मांस मदरा नहीं खाता है, दारू नहीं पीता है, इसको आर्य कहते हैं। पर आज के आर्य जो भाई बहन हैं, वे खुद हवन नहीं करते हैं दो बार, ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है। दोस्तों आप ये चीज़ याद रखिए, हमारे हिंदू धर्म के जो नींव थे, चार वेद थे। आज के हिंदू धर्म के नींव वेद नहीं है, क्योंकि आज के हिंदू धर्म पुराण के ऊपर कड़े हैं, भागवतम के ऊपर कड़ी है, और भी सुपरस्टिशंस किताब जो इंसान ने लिखा है उसके ऊपर आज के हिंदू धर्म कड़ी है, आप सबको पता है, मूर्ति पूजा के ऊपर कड़ी है। इसलिए आज के हिंदू धर्म को ताम कर चलने में आर्य भाई बहन का बहुत सारा कोऑपरेशन चाहिए। ये कोऑपरेशन तब होगा जब खुद आर्य भाई बहन अपने घरों में हवन शुरू करें, क्योंकि हवन करने से साइंटिफिक बेनिफिट तो मिलता है। हवन करने से हमको ईश्वर की ताकत, महर्षि दयानंद की ताकत, ऋषि मुनियों की ताकत, उन सब का आशीर्वाद हमारे सर पे रहेगा। नहीं तो हम जितना भी प्रयास करें भेदभाव ही बढ़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर खुद काम क्रोध मद लोभ अहंकार है, तो हम जो बोलेंगे वही उनके पास पहुंचेगा, वेद नहीं पहुंचेगा। और वेद को पहुंचाने के लिए हमें इंस्पिरेशन देना होगा कि भाई ऋषि लोगों को ढूंढो, भाई ऋषि मुनि लोगों को ढूंढो, आचार्य लोग को ढूंढो, जिनके अंदर वेद प्रकट है, जो योगी समाधिस्थ पुरुष हैं, ऐसा संदेश हमको देना होगा। और जैसे आप 10 वीडियो बनाते हैं मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ, जैन के खिलाफ, बुद्ध के खिलाफ,
40 वीडियो बनाइए वेद के, वेद में नियम क्या है, हवन के ऊपर 50 वीडियो बनाइए, मंत्र के ऊपर 100 वीडियो बनाइए, फिर परसेंटेज जो है वो 90% होगा, खंडन 10% होगा। हमें महर्षि दयानंद ने सत्यर्थ प्रकाश जो किताब उन्होंने हमको वरदान दिया है उसमें भी आप देख सकते हैं 14 चैप्टर्स में से सिर्फ 4 चैप्टर्स जो लास्ट में है उसमें खंडन ज़्यादा है, बाकी 10 चैप्टर है वेद के हिसाब से, राजनीति है, एजुकेशन है, फैमिली लाइफ है, वेद का क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है, ईश्वर के बारे में, ये सारे वेद के नियम उन्होंने बताया। तो हमको भी, वो तो उस समय में जब हम गुलाम थे, पर आज हम आज़ाद हैं, हम आज़ादी से वेद का प्रचार कर सकते हैं। गुलामी में भी उन्होंने वेद का प्रचार किया, यहाँ तक वो अकेले एक ऋषि थे और सारे उनके खिलाफ थे, हिंदू भाई भी, आपको पता ही है उनको कितने बार मारने के लिए विष दिया गया हिंदू लोग ने, मुसलमान तो आखिर में मार ही दिया, पर हिंदू लोग भी कितना उनको विष दिया हमें पता है। तो उस समय में भी हिंदू लोग उनके खिलाफ थे, तो हमारे हमारे साथ कौन होंगे? हमारे आज के हिंदू लोग ही मूर्ति पूजक है, मांस मदिरा खाने वाले हैं, हवन नहीं करने वाले हैं, ईश्वर को नहीं मानने वाले हैं, नास्तिक लोग हैं, वेदांतिस्ट है, ऐसा हिंदू लोग ही हमारे हैं, तो फिर हम कैसा वेद का प्रचार कर सकते हैं जब हम खुद हवन नहीं करते हैं? तो मेरा यही मैंने मन में सोचा कि क्योंकि मेरे जो दोस्त लोग हैं जो आर्य समाजी हैं वे कहते हैं कि मेरे दीवार काला हो जाते हैं, घर में लकड़ियाँ लाना पड़ते हैं, 20-20 मिनट हवन में बैठना पड़ता है सुबह शाम, ये तो नहीं होगा भाई हमसे, ये तो मैं संडे संडे आर्य समाज जाके करके आता हूँ। पर महर्षि दयानंद ने ये नहीं कहा, महर्षि दयानंद जी ने सारे किताब में उन्होंने सुबह शाम हवन की आज्ञा दी है। वेद में तो महर्षि दयानंद के ऊपर बात है, वेद में ईश्वर स्वयं कह रहे हैं कि सामवेद में भी कह रहे हैं, यजुर्वेद में पहले मंत्र में कह रहे हैं कि तुम्हारे जन्म ही यज्ञ के लिए हुआ है। तो हम आज यज्ञ नहीं करते हैं तो हम वेद प्रचार कैसा कर सकते हैं? अगर हम सुबह शाम हवन शुरू करते हैं, क्योंकि आर्य जनता आज भी हिंदुस्तान में आर्य लोग जो है उनका संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब समझे 1% पॉपुलेशन में आर्य लोग होते हैं, 1% हो गया, 0.5% होते हैं, 100 करोड़ लोग में 0.5% बहुत ज़्यादा संख्या होते हैं। अगर 0.5% हिंदुस्तान आज सुबह शाम हवन शुरू करेगा, 3 साल में ये 0.5% मेरे हिसाब से 5% बनेगा, मतलब 10 गुना इसका तरक्की होगा हवन करने में। और ऋषि मुनि के पास लोग अपने आप पहुंचेंगे हवन के, ईश्वर की कृपा से वो लोग ऋषि मुनियों को ढूंढेंगे और ऋषि मुनि को सेवा करना शुरू करेंगे। जब ऋषि मुनि को सेवा शुरू होगी हमारे देश में, ये जो आप जो भी वीडियो डालकर विरोध कर रहे हैं ना, वो अपने आप बंद हो जाएगा, हमें वीडियो डालने का जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ ये जो संदेश है कि लव जिहाद के बारे में या मुसलमान जो गलती कर रहे हैं उनके बारे में, क्रिश्चियन के बारे में, ब्रह्म कुमारी के बारे में, ये सब हम बना रहे हैं, ये ज़रूरी है, पर इतना ज़रूरी नहीं है जितना वेद के प्रचार है। वेद के प्रचार इससे करोड़ गुना जरूरी है, ये हम भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मोह है। क्या मोह है? मैंने एक वीडियो देखा था एक भाई का, आर्य समाज भाई का, उसको कुछ नोटिफिकेशन मिला कि चैनल बंद करो, वो उसके अंदर में मोह देख रहा था कि भाई मेरा चैनल बंद हो जाएगा तो मेरा सब्सक्राइबर छोड़ जाएंगे। सब्सक्राइबर का मोह क्यों रखना है? हम तो वेद के प्रचारक हैं, हम महर्षि दयानंद एक अकेला ऋषि थे, उनके पीछे कोई आदमी आए ना आए पर उन्होंने सत्य बोला, इतना तो हम प्रेरणा लेना चाहिए महर्षि दयानंद से। महर्षि दयानंद के अलावा आज भी कोई भी योगी जिंदा है वो अकेला ही रहते हैं, अकेला ही प्रचार करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मेरे भीड़ भाड़ बढ़े, पर हमारे कर्तव्य बनता है कि ऋषि मुनियों को ढूंढ कर हम सेवा करें। तो हम आर्य लोग इतना प्रयास करें कि हवन शुरू करें घर में, सुबह शाम ब्रह्म यज्ञ संध्या के अलावा हवन रोज हम अगर करते हैं, हमारे देश में भूखमरी, हमारे देश में राजनीति ठीक होगा, हमारे देश में जो आप चाहते हैं मुसलमान का जो भी लव जिहाद ये सब बंद हो जाए, ये सब अपने आप बंद होगा, और हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन के बीच में प्यार का वातावरण होगा और हम वेद को पुनः स्थापित करने में समर्थ होंगे। और क्योंकि वेद जो है ईश्वरीय वाणी है,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध लोग भी समझ जाएंगे कि वेद ईश्वरवाणी है, हिंदू नहीं है, तो शायद वे लोग भी हवन शुरू कर दें। हमारे मकसद जो है वैदिक धर्म को लेके आना है, और अब आप हवन शुरू करेंगे आपके घर के आसपास जो लोग हैं वो भी पूछने लगेंगे, भाई इतना दिन से तुम नहीं कर रहे थे, आज कर रहे हो, क्या बात है, ये हवन क्या होते हैं, इसका साइंटिफिक बेनिफिट बताओ। बहुत सारे वीडियो से जैसे आर्य समाजी लोग आज बहुत सारे साइंटिफिक वीडियो भी बनाए कि हवन के बारे में, इसका भी प्रचार कर सकते हम। तो आप जितना वीडियो बनाते हैं दूसरे धर्म के खिलाफ उससे 10 गुना ज़्यादा वेद के बारे में आप बताइए। वेद के ज्ञान, वेद माता के कृपा तब बरसेगी हमारे ऊपर और वेद विद्या फैलना शुरू होगा। ये इसलिए मैंने सोचा कि मुझे दुख लगा कि हम लोग क्यों दूसरे लोग को निंदा करना है। हाँ निंदा करें, मैं भी 3 वीडियो बनाया, 2 जाकिर नाई के खिलाफ, 1 क्रिश्चियन के खिलाफ। मेरे 120 के ऊपर वीडियो, मतलब मेरा परसेंटेज आप देखो 2.5% है। क्यों बनाया ये भी मैं बताऊँ, क्यों बनाया मैंने जाकिर नायक का वीडियो में देखा कि उसने वेद मंत्र कोट करके बताया कि इसमें अल्लाह का नाम है, उसमें वेद मंत्र कोट करके बताया कि इसमें प्रोफेट मोहम्मद का नाम है। तो मेरा जिम्मेदारी ऐसे वैदिक फॉलोअर बनता है कि भाई तुम गलत बोल रहे हो, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया। मुझे जाकिर नायक से कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ भी करने दो, पर वेद का अगर वो टच करेगा तो मेरा जिम्मेदारी बनेगा, क्योंकि मैं वेद मेरे गुरु महाराज से सीख रहा हूँ, और ये वेद को जो मेरा सर्विस है कि भाई वेद में ऐसा नहीं है। और क्रिश्चियन के खिलाफ एक ने बनाया क्योंकि उसने बोला कि यज्ञ विश्वस्य नाभि ही, ये विश्व का नाभि इसराइल है, इसराइल में ईसा मसीहा का हुआ है, वही यज्ञ है, सब लोग क्रिश्चियन बन जाओ। तो इसके खिलाफ मैंने वो वीडियो बनाया, नहीं तो किसी का खिलाफ बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपना विचार रख सकते हैं, हम सत्य कह सकते हैं, हर एक वीडियो में आप ईश्वर की सत्य कहो, हर एक वीडियो में वेद माता के सच के बारे में बताओ, फिर लोग अपने आप वो सोचने लगेंगे कि भाई फिर हिंदू धर्म में जो सेंट है वो क्यों झूठ बोल रहे हैं। वो लोग सोचेंगे जब हम वेद मंत्र को रेफरेंस करेंगे, वेद मंत्र का उनको ट्रांसलेशन बताएंगे, फिर वो अपने गुरु से भी पूछ सकते हैं कि भाई आप क्यों गलत बोल रहे हैं, वेद में ऐसा है। फिर शायद ये होगा कि लोग इंटरेस्ट, आज 50,000 किसी का सब्सक्राइबर है, उसमें कितने लोग वेद को मानते हैं, कितने लोग सिर्फ मुसलमान के खिलाफ होने से आप हमारे चैनल फॉलो कर रहे हैं, ये हमको समझना होगा। चैनल का मोह जब छोड़ेंगे तब हम वेद प्रचार कर सकते हैं, सब्सक्राइबर का मोह जब छोड़ेंगे, सब्सक्राइबर अपने आप आएंगे, ईश्वर की कृपा जब होगा। सब्सक्राइबर आए ना आए पर हम वेद प्रचार करना ही, कृणवंतो विश्वम आर्यम, ईश्वर को और महर्षि दयानंद जी को हम जो सेवा है ना, यही सेवा है। तो मुझे उम्मीद है आप मेरे जो वीडियो है उसको गलत नहीं लेंगे, मैं भी आपके भाई हूँ, आपके सबको नमन करता हूँ। आप मेरा ये वीडियो प्लीज़ फैलाइए, मैं दूसरा एक वीडियो में मिलूँगा, सबको नमस्ते, ओम।